चंदौली संसदीय क्षेत्र के, चंदौली वाराणसी के निवासी सभी मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। आपके बीच आपका ही सांसद, आपका ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे आज आपसे वीडियो के माध्यम से कुछ निवेदन करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ है। आप सब इस वैश्विक महामारी से बहुत दृढ़ता से जूझ रहे हैं। मुझे जानकर बड़ा संतोष हुआ है कि विश्व प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी की अपील का आप सब शत प्रतिशत पालन कर रहे हैं। मैं आप सबसे चाहूंगा कि इस महामारी से संघर्ष में जुटे सभी प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा डॉक्टर्स एवं साथ साथ सामाजिक संस्थाओं के इस काम में उनका अभिवादन करें, उनका अभिनंदन करें, उनको अपनी शुभकामनाएं दें, क्योंकि वे खुद को अपने आगे ला करके जोखिम उठा करके मानवता की सेवा कर रहे हैं। आज इस मौके पर आप सबसे मेरी यह भी अपील है कि आज जो गरीब तबका है, दैनिक मजदूरी पर, दैनिक दुकानदारी पर अपना जीवन यापन करता है, उसको हर तरह से तन मन धन अन्न से, भोजन से मदद करने का काम जारी रहना चाहिए। इस अवसर पर मुझे थोड़ी कुछ ऐसी सूचनाएं मिली, थोड़े मन को पीड़ा हुई कि लोग लॉकडाउन का पालन करने में, अपना समय व्यतीत करने में कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात आपस में निकटता की दूरी जो बनाए रखने की अपील की गई है, कम से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर ही कोई एक दूसरे से संवाद करे, उसमें कहीं कहीं इसमें बाधा आ रही है। बच्चे खेलने में मशगूल हो जा रहे हैं तो बहुत निकट आपस में हो जा रहे हैं, वो खेलें, इंडोर गेम खेलें, घर के दायरे में रहें, लेकिन 1.5 से 2 मीटर की दूरी का डिस्टेंस बनाए रखें। बड़े बुजुर्ग, युवा, गांव का स्वभाव है शाम को पद पंचायत करना, गपशप मारना, वो करें अगर ऐसा कहीं लगे समय व्यतीत करने के लिए, लेकिन उसमें 1.5 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें और जहां भी रहें घर के दायरे में रहें। आप सबको मेरी शुभकामना है, इस महामारी से को हराना है, इसके लिए एकजुट होकर के सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 1.5 से 2 मीटर की दूरी बना करके ही आपस में कहीं संवाद करना है। और जो स्वास्थ्य विभाग के मीडिया से, समाज के विभिन्न माध्यमों से संदेश प्रसारित हो रहे हैं इस कोरोना की महामारी के संक्रमण से फैलने के लिए, उसका शत प्रतिशत पालन करते हुए आप सभी स्वस्थ रहें, घर में रहें, ये मेरी शुभकामना है। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत नमस्कार। आप सब लोगन के हमार प्रणाम नमस्कार बा। आप सब जानत बानी कि ए समय देश दुनिया में कोरोना वायरस के चलते महामारी फैलल बा। एकरा से बचे खातिर अभी कोनो टीका या दवाई नहीं के बनल। एकरा से बचे खातिर खाली सचेत रह के बा, साफ सफाई से रह के बा, एक दूसरा से कम 1 मीटर के दूरी बनाए के रह के बा, ताकि एकरा से और केहू के परेशानी ना होए। रउआ सब एक दूसरे से ना हाथ मिलाई, ना गले लगी, ना पैर छुई और ना ही अपना आँख नाक मुँह के छुई। अपन हाथ बार बार साबुन पानी और ही सैनिटाइजर से साफ करत रही। आप सबके इहो ध्यान रखे के बा कि कोनो आदमी यदि गांव के बाहर से गांव में आयल होए तो ओकर के बारे में रउआ सब तत्काल पुलिस के सूचना दी। इस तरह से हम लोगन एक दूसरा से मिलके कोरोना वायरस के संक्रमण रोक सके ले जा। अभी इहो देहो देखे में आवट बाटे कि आप सबके गांव में छोट छोट लड़का क्रिकेट खेलत बाड़े और बड़े बुजुर्ग भी ई वायरस के गंभीरता से नहीं खेलत बानी। आप सबके यही बिनती बाटे कि आप सब बहुत बहुत जरूरी काम होके तबे घर से बाहर निकली, ना तो अपन घर में ही रही, ताकि अपना घर के परिवार के साथ साथ गांव घर के भी सुरक्षित रख सकल जाओ। आप सब पुलिस के साथ दी, यह हमार आप सबके निवेदन बाटे। हमार बात सुनी के खातिर आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद बाटे और आप सबके एक बार फिर से प्रणाम करत बानी।